के निकट वज्रेश्वरी में 2 दिन का अक्षय पात्र लक्ष्मी साधना शिविर का आयोजन होने जा रहा है। इसमें 1.25 लाख मंत्र से लेकर 5 लाख मंत्र का विशेष अनुष्ठान होगा। इस शिविर में गोपनीय विधि से लक्ष्मी साधना संपन्न करवाई जाती है। अगर आप कर्ज, व्यापार में असफलता, नौकरी में असफलता, प्रमोशन, धन से संबंधित विवाद को समाप्त करना चाहते हैं तो इस साधना के द्वारा सुख समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। इस रोमांचक विषय को अगर आप सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से फॉर्म भर सकते हैं। नमस्कार, दिव्य योग आसन की तरफ से मुंबई के निकट पीताम्बरा देवी यानी माता बगलामुखी मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। आपसे सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो आप बैंक ट्रांसफर, पेटीएम या UPI के द्वारा दान कर सकते हैं और यह दान इनकम टैक्स के आयकर धारा 80G के अंतर्गत टैक्स में छूट का लाभ भी ले सकते हैं। इसके बारे में अधिक जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। नमस्कार, दिव्य योगासन की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम विद्रावणी मुद्रा की चर्चा करेंगे, इसे सर्व विद्रावणी मुद्रा भी कहते हैं। विद्रावणी का अर्थ ये होता है कि आपको द्रवित करना, आपको नरम करना, आपको नरम बना देना। यानी आप अगर कठोर स्वभाव के हैं तो आपके मन में दया उत्पन्न कर देना, आपके मन को कोमल बना देना, ये मुद्रा का नाम है। कहने का अर्थ ये है, ऐसा आपने जीवन में बहुत देखा होगा। कोई व्यक्ति है, आप उससे किसी तरह का निवेदन कर रहे हैं लेकिन वो आपकी बात नहीं मानता या मानना भी नहीं चाहता, यानी वो कठोर स्वभाव का हो गया। ये मुद्रा वहाँ पर आपको मदद करती है, आपके प्रति उसके मन में कोमल भावनाएं जगती हैं, उसका मन द्रवित होता है और आपके कहने को मानने के लायक उसका मन बन जाता है। ये मुद्रा आपके छोटे मोटे बहुत से कामों में उपयोग किया जाता है। आप लोन लेने जा रहे हैं, आपके पास डॉक्यूमेंट सही हैं, कागज़ सही हैं, फिर भी कुछ नहीं होता, लेकिन ये मुद्रा लगाते हैं तो आपको ऐसा महसूस होगा कि सामने वाला आपकी बातों को गौर से सुन रहा है, आपकी समस्या को सीरियसली समझ रहा है, दिल से समझ रहा है। तो इस तरीके से आपके काम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसी तरह से कोई कठोर है, हम प्रेमी प्रेमिका की बात करें, दोनों रूठ गए हैं, एक दूसरे से बात नहीं करते हैं, लेकिन ये मुद्रा लगाने के बाद आपको ऐसा महसूस होगा कि सामने वाले के मन में उसके प्रति जो विचार जो बहुत कठोर थे वो थोड़े से नरम हो गए हैं। इस तरीके से पति पत्नी हैं, दोनों में अनबन है, कोई समस्या चल रही है, बात बहुत बिगड़ती जा रही है, बात तलाक तक पहुँचती चली जा रही है, ये मुद्रा के द्वारा आप महसूस करेंगे कि आपके पार्टनर के मन में आपके प्रति नरम भावना पैदा हो गई है। जब तक नरम भावना पैदा नहीं होगी तब तक जीवन में संतुलन नहीं आता, कठोर भावना के साथ हमेशा नुकसान होता है। नरमी होनी बहुत जरूरी है, अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है, एक दूसरे को समझने की बहुत जरूरत होती है। तो मन को द्रवित करना, कठोर मन के स्वभाव वाले व्यक्ति को द्रवित करना, नरम करना, इस मुद्रा का स्वभाव माना जाता है। इसलिए आज के इस कलयुग में इस मुद्रा का उपयोग बहुत किया जाता है, लेकिन बहुत ही गोपनीय मुद्रा है। इस मुद्रा का उपयोग भी माता कमला की साधना में किया जाता है, माता षोडशी की साधना में किया जाता है, जिसे हम श्री विद्या, श्री यंत्र कहते हैं, त्रिपुर सुंदरी कहते हैं, इनकी साधना में भी किया जाता है। तो ये है कि सामने वाले के मन में हमारे प्रति एक कोमल भावनाएं पैदा कर देना कि जिससे सामने वाला व्यक्ति हम पर दया करे, हम पर कृपा करे, हमारी कामनाओं की पूर्ति करे। इसलिए ये मुद्रा इस तरह की साधनाओं में भी लगाई जाती है। तो ये मुद्रा भी बहुत जरूरी है। जो षोडशी साधना होती है, त्रिपुर सुंदरी साधना होती है, उसमें भी ये मुद्राएं बहुत ही मुख्य तौर पे लगाई जाती हैं। लेकिन जो लोग साधना नहीं करते, आम तरीके से जीवन जीते हैं, वो लोग इस मुद्रा का सिर्फ 5 मिनट अभ्यास करें और उनको महसूस होगा कि जो भी व्यक्ति का स्वभाव उनसे बहुत कठोर है, आप महसूस करेंगे कि उस व्यक्ति का स्वभाव उनके प्रति थोड़ा नरम होना शुरू हो गया है। बहुत से कामों में उपयोग कर सकते हैं। कोई व्यक्ति आपको कहना ही नहीं मानता, आपको देखते ही उसको गुस्सा आना लगता है, तो ये मुद्रा से आप महसूस करेंगे कि उसके मन में आपके प्रति
कोमल भावनाएं, अच्छी भावनाएं, भावनाएं नरम होती चली जा रही हैं, उसका गुस्सा नरम होता चला जा रहा है, उसका गुस्सा ठंडा होता चला जा रहा है, ऐसा आप महसूस करेंगे। इसलिए यह मुद्रा बहुत ही सीक्रेट और गोपनीय होने के साथ बहुत ही खास हो जाती है। तो आप लोगों के लिए मुद्रा मैं लाया हूँ, ये बहुत ही काम की मुद्रा है और गुप्त तरीके से एक जमाने में ये मुद्राएं सिखाई जाती थी। ताइए जानते हैं इस मुद्रा का अभ्यास कैसे करें। ढीले ढले वस्त्र पहनकर शांत कमरे में बैठ जाएं, जमीन पर नहीं बैठ सकते तो किसी कुर्सी पर या सोफे पर आराम से बैठ जाएं। अब एक विशिष्ट तरह की मुद्रा समझ लीजिए कैसे क्या करना है। ये देखिए, ये हाथ है, इसको इस तरीके से रखते हैं और ये दो उंगलियों जोड़ दीजिए। ये देख रहे हैं कैसे इस तरीके से दिख रहा है। पहले ये उंगलियों को जोड़ दिया हमने इस तरीके से, और ये दो उंगलियां जो हैं इनको हमने जोड़ दिया ऐसे। तो ये देखने में ऐसे दिखेंगे, ये देखिए ऐसे दिखेंगे, ऐसे दिखेंगे। फिर से ये दो उंगलियों को अंगूठे के साथ हमने जोड़ दिया, उसके बाद इसको हमने इस तरीके से जोड़ दिया, और ये मुद्रा लगानी है। इसको सर्व विद्रावणी मुद्रा कहते हैं। सामने वाले के मन में हमारे प्रति कोमल भावनाओं को जन्म देना, सामने वाले के कठोर स्वभाव को नरम करना, या हम कुछ कहना चाहते हैं तो हमारी बातों को सामने वाला व्यक्ति माने ऐसा उसका स्वभाव बन जाना, चाहे वो कितना भी कठोर दिल का हो। ये मुद्रा का अर्थ ये होता है। तो फिर से दिखा रहा हूँ, हमने ये मुद्रा लगाई, देख लीजिए। मुद्रा लगाने के बाद ये जो स्टार्टिंग की दो उंगलियाँ हैं ये बंद कर लेते हैं, ये इसे बंद कर लिया तो ये मुद्रा हो गई सर्व विद्रावणी मुद्रा, सामने वाले के कठोर दिल को नरम बनाने की पद्धति। ये हमने मुद्रा लगाई, ये मुद्रा लगाने के बाद 10 बार प्रणाम किया, यानी हमने यहाँ पर पिंच किया, पिंच करने के बाद 10 बार सांस को रोका, जितनी देर तक हो सके रोक के रखा, फिर धीरे से छोड़ा, इस तरीके से 10 बार सामान्य प्राणायाम किया। बस 5 मिनट का अभ्यास है, ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट का अभ्यास है। आप किसी भी वर्ग से हो, किसी भी धर्म से हो, किसी भी संप्रदाय को मानते हो, किसी भी इष्ट को मानते हो, तो इस मुद्रा का उस धर्म से कोई संबंध नहीं है। जो भी व्यक्ति इस मुद्रा का अभ्यास करेगा वो लाभ लेगा। हाँ, ये जरूर है जो साधना कर रहे हैं, जो माता कमला की उपासना कर रहे हैं, त्रिपुर सुंदरी के उपासक हैं, श्री विद्या के उपासक हैं, उनके लिए ये मुद्रा कंपलसरी मान लें कि हमारी बातों को माता मान लें और हमारी मनोकामना को पूर्ण करें, इसका मतलब है। तो सामने वाला व्यक्ति कितना भी कठोर स्वभाव का हो, उसके मन को द्रवित करना, नरम करना इस मुद्रा का स्वभाव है। सिर्फ 5 मिनट ये साधना करनी है, उसके बाद आप अपना काम करें। दिन में 2 या 3 बार कर सकते हैं, सुबह, दोपहर, शाम को इस तरह की साधना, ये अभ्यास कर सकते हैं। 5-5 मिनट का अभ्यास है तो आपको फायदा होगा। इसके लिए विशिष्ट नियम यही है कि आप किसी मीटिंग में जा रहे हैं, आप चाहते हैं कि आपकी बातों को माना जाए, आपका कहा माना जाए, या किसी विशिष्ट व्यक्ति के पास जा रहे हैं वो कठोर स्वभाव का है, आप चाहते हैं कि उसका स्वभाव थोड़ा नरम हो जाए, हमारे प्रति थोड़ा लिबरल हो जाए, हमारी याचना को माने, हमारी जो इच्छा है उसको माने, हमारे प्रति उसके मन में जो कठोर बातें भरी हैं, कठोर विचार हैं, वो कम हो जाए, तो उस व्यक्ति के बारे में सोच कर ये आप मुद्रा लगाइए। सिंपल है, और आप चाहिए तो इस तरीके से आप महसूस करेंगे कि आप महीना, 1.5 महीना, 15 दिन, कुछ लोगों को 1 हफ्ते में फायदा मिल गया, ये आप करें, ये मुद्रा आपके जीवन में बहुत काम आएगी। आशा है इस मुद्रा का लाभ उठाकर आप अपने परिवार को सुखमय जीवन देंगे। अगर आपको लाभ मिलता है, किसी दूसरे की बिना स्वार्थ के मदद अवश्य करें। धन्यवाद।